इस दुनिया में ग्रेटेस्ट व्यक्ति वो है जो अपने काम में पूरा 100% लगा देता है। कोशिश करो कि अपने काम को इतनी हद तक आगे लेकर जाओ कि उस हद तक आज तक किसी ने ना लाया हो और आगे भी किसी को लाने में बहुत जोर लगाना पड़े। आप खुद को खुद की नज़र से नहीं देख रहे हो, दुनिया की नज़र से देख रहे हो। वो जो बोल रहे हैं वो आप मान रहे हो। एक बार आप अपने आप को खुद की नज़र से देखो, तभी आप जान पाओगे कि आप एक्चुअल में क्या हो। आपको हमेशा खुश रहना है। अब सवाल ये उठता है कि खुश कैसे रहें। जब भी आप लाइफ को पॉजिटिव साइड से देखते हो आप खुश होते हो, और जब भी आप लाइफ को नेगेटिव साइड से देखते हो तो आप दुखी होते हो। सही ट्रैक क्या है? हर सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखना ही सही ट्रैक है। इस दुनिया में असफल इंसान से भी सीखें और सफल इंसान से भी। असफल व्यक्ति से उसके असफल होने का और सफल व्यक्ति के उसके सफल होने का कारण। जब लोग आपको कहें कि आप ये नहीं कर सकते, तो ना हमें चुप रहना है ना हमें लड़ना है। बस सवाल ये करना है कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता, फिर देखो उसके कैसे पत्ते खुलते हैं। दो तरह की चॉइस हैं आपके पास कि मुझे ज़िंदगी को काटना है या मुझे ज़िंदगी को जीना है। मेरा मोटिवेशन क्या है? वही जो 12th स्टैंडर्ड में आई थी कि मुझे कुछ करना है। आज उस दिन को कई साल हो गए लेकिन ये अब तक नहीं गई। टैलेंट की अपनी एक लिमिट है, गोल सेटिंग की अपनी एक लिमिट है। मोटिवेशन जो कि बाहर से अंदर की तरफ आ जाता है उसकी भी एक लिमिट है, लेकिन इंस्पिरेशन जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बाकी सब मर जाता है लेकिन वो इंस्पिरेशन नहीं मरता, वो अंदर ही अंदर जलती रहती है। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप अपने मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है। एक तरफ है मज़ा और एक तरफ है दर्द, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। इस दुनिया में डिज़ायर से बड़ी निर्माणकारी पावर और कोई नहीं है। हिस्ट्री को उठाकर देख लो, आप पाओगे कि जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उनके पास दूसरों से ज़्यादा जवाब नहीं बल्कि दूसरों से ज़्यादा अच्छे सवाल हुए हैं। अपने आप से मुकाबला करते जाओ, वहाँ कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि हारे तब भी आपकी जीत और जीते तब भी आपकी जीत। आप मानो या ना मानो, जिसको सवाल करने की आदत है वो चाहे किसी भी फील्ड में जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। दो इंजीनियर हैं, एक है जो सिर्फ रट्टा मार रहा है, एक है जो इस फंडे को समझ रहा है। जिसको फंडा समझ आ गया वो किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, लेकिन जिसने रट्टा मारा है वो केवल एक ही प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। आप चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, एक स्किल ऐसी है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए, उसके बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, और वो है कम्युनिकेशन स्किल। जितना आप बुराई को देखोगे उतना दुखी होंगे, और जितना आप दुखी होंगे उतना ही आप दूसरों को दुखी करोगे। ऐसे में जितना आप प्रकृति से जुड़ते जाओगे उतना आप अच्छा महसूस करोगे। इस दुनिया में सबसे बड़ी पावर डिज़ायर है, क्योंकि ये डिज़ायर ही है जो हमारे मन को इधर उधर भटका रहा है। अगर इस दुनिया से आप डिज़ायर निकाल दो लोगों के दिलों में से,
तब क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। जिस भी तरह की डिजायर आपके अंदर दबे हुए हैं, उसी तरह की सोच है। आपके जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी है तो वो अपने आप ही आपसे बड़े बड़े काम करवाती चली जाएगी। तप क्या है? तप वो है जो कि ऐसा काम करना जो इस समय इस दुनिया में मानवता के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए करना जरूरी है। उसमें आपको चाहे कितना भी दर्द हो रहा हो, अगर आप वो कर रहे हो तो तप है। नहीं तो आप अगर अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो तो वो तप नहीं, ढोंग है। आप चाहे डॉक्टर बनने वाले हो या इंजीनियर बनने वाले हो, उस हद तक अपने काम में एफर्ट डाल दो जितना आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं लगाया हो। दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। एक बार अंदर ये पनप गया ना कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनाना है। दुनिया के लिए चाहे कुछ लोग ही मेरे को देखें और मुझे देख कर इंस्पायर हों, कुछ तो करना है। ऐसे ही थोड़ी आया और चला गया, क्या है? कुछ तो करना है। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालना है, तो सलूशन खुद चलकर आपके पास आता है। प्रॉब्लम में ही सलूशन होता है। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो और बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो। प्रॉब्लम में ही सलूशन छुपा होता है। हर बीमारी का इलाज कहीं बाहर नहीं होता है, उसी बीमारी में छुपा होता है। जैसे ही उस बीमारी का कारण समझ आता है, वहीं पर उसका इलाज छुपा होता है। जिंदगी में कभी कुछ करना है तो सच बोल दो, ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी करना इजी है। मेरी सारी वीडियो का सार बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है। अगर आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, तो अपनी जिंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हो। मैं नहीं कहती कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर। मतलब कि जिंदगी को काटने के लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिंदगी जीने से इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया ना, फिर पैसा तो क्या, कितना भी कमा लो, आपको कोई नहीं रोक सकता।